तो अनफॉर्चुनेटली पिछले दो हफ्ते के वेब न्यूज डे को मिस करने के बाद इस बार के वेडनेसडे पे मैं हाजिर हूँ नए वेब न्यूज डे के एपिसोड के साथ। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सराखों पर रखते हुए आते हैं अपनी पहली न्यूज पे। मैन 3 में नकली मैंडरिन का कैरेक्टर प्ले करने वाले बेन किंग्सली रिटर्न कर रहे हैं डिज्नी प्लस की सीरीज वंडर मैन में, और ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार उनका रोल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा इस सीरीज में। तो मोस्ट प्रोबेबली सीरीज की अनाउंसमेंट मार्वल के D23 इवेंट में हो जानी चाहिए। तो इसके बाद अपन लोग की अगली न्यूज है नेमर के लुक के क्रिटिसिज्म को लेकर। तो नेमर के लुक का मजाक उड़ाते हुए मार्वल के फॉर्मर कॉमिक आर्टिस्ट माइक ड्यूडाटो जूनियर ने ये बोला कि उसके क्रिएटर की फिजिक ससुरा उससे ज्यादा बेटर दिख रही है। उन्होंने नेमर के एक्टर की फिजिक को क्रिटिसाइज करते हुए ये बोला कि जिस क्रिएटर ने उसे बनाया 60 की एज में भी वो उससे ज्यादा अच्छा लग रहा है। हालांकि पानी के अंदर कोई जिम विम तो होते नहीं है, तो नेमर वहाँ कसरत वसरत जिम विम डोले शोले तो बनाता नहीं होगा, तो मुझे तो फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है नेमर के लुक से। सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो है एक्टिंग। तो आप इस बारे में क्या सोचते हो कॉमेंट में बताओ। इसके बाद अपन लोग की अगली न्यूज है सी हल्क की राइटर जेसिका गाओ के एक स्टेटमेंट को लेकर। तो जेसिका गाओ ने रिसेंटली ये बताया कि मार्वल स्टूडियोज के पास एक एम्प्लॉय है जिसका काम सिर्फ ये देखना है कि मार्वल की जितनी भी मूवीज या फिर शो हैं उनकी टाइमलाइन ठीक तरीके से है या फिर नहीं। यानी एक तरह से वो मार्वल की मूवीज, मार्वल के शोज, इन सब की टाइमलाइन, इन सब के इवेंट्स, ये कौन से साल कौन से महीने में हो रहे हैं, ये सारा कुछ कैलकुलेट और ट्रेस करता है। ये एम्प्लॉय तब कहाँ था जब 2017 में वल्चर ने ये बोला था कि 2012 में हुए न्यूयॉर्क हमले में टोनी स्टार्क ने हमसे सब कुछ छीन लिया था। अबे ये काम पहले कर लेते तो होमकमिंग मूवी में जो टाइमलाइन का इतना बड़ा लफड़ा हुआ वो बच जाता। और अगर फॉक्स वालों ने ऐसा कोई एम्प्लॉय बहुत पहले रख लिया होता तो आजकल यूट्यूबर्स को एक्समैन की टाइमलाइन एक्सप्लेन करने वाले वीडियोस ना बनाने पड़ते। मैं तुमको बता रहा हूँ, किसी भी यूट्यूबर का एक्समैन की टाइमलाइन को एक्सप्लेन करने वाला वीडियो मत देखना, कसम से बता रहा हूँ, तुम सबका टाइम बच जाएगा। सब ससुरों ने अपने मन मुताबिक टाइमलाइन एक्सप्लेन कर दी है, जब साला राइटर्स तक को नहीं पता कि कौन सा इवेंट कब हो रहा है तो यूट्यूबर्स क्या घंटा बता पाएंगे। तो इसके बाद अपन लोग की अगली न्यूज है फैंटास्टिक फोर मूवी के लिए रीड रिचर्ड्स और सूजन स्टॉर्म की कास्टिंग को लेकर। तो ऐसे रूमर्स है कि पेन बेजली जो कि नेटफ्लिक्स की यू सीरीज में जोए गोल्डबर्ग का कैरेक्टर प्ले करते हैं वो मिस्टर फैंटास्टिक का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं, और सूजन स्टॉर्म के लिए एलिजाबेथ लैल को कास्ट किया जा सकता है। कसम से अगर इन दोनों को मिस्टर फैंटास्टिक और इनविजिबल वुमेन वाला कैरेक्टर प्ले करने को दे दिया गया तो ये ससुरा मिस्टर फैंटास्टिक अपनी इनविजिबल वुमेन की पैंटी सूंघा करेगा, या तो फिर पक्का ये डॉक्टर डूम या फिर अपने ही किसी साथी की गर्लफ्रेंड को स्टॉक किया करेगा। जोक्स अपार्ट गाइस, कास्टिंग अच्छी है, बाकी तुम इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट में बताओ। इसके बाद अपन लोग की अगली न्यूज है वापस से सी हल्क को लेकर। तो सी हल्क की हेड राइटर जेसिका गाओ ने वापस से ये कंफर्म किया है कि एपिसोड 4 इतना जबरदस्त होगा कि फैन भुला नहीं पाएंगे। हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं है, सारे फैंस जानते हैं कि डिज्नी प्लस पे एमसीयू के जितने भी शोज आए हैं उनके एपिसोड 4 कसम से पूरे बवाल रहते हैं। हमेशा की तरह इन ससुरों का फोर्थ एपिसोड एकदम गदर रहेगा, उसके बाद फिनाले में जाके क्लाइमैक्स में ही अपना मूत्र विसर्जन कर देंगे। तो अपन लोग की अगली न्यूज है इको सीरीज को लेकर। तो इको सीरीज की शूटिंग कंप्लीट हो गई है, अब जो भी थोड़ा बहुत काम होगा वो पोस्ट प्रोडक्शन को लेकर होगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि हॉकाय सीरीज में किंग पिन का जो डिलीटेड सीन था वो इसमें यूज कर लिया जाएगा। हालांकि इंटरनेट पे एक सवाल काफी ज्यादा वायरल हो रहा है कि इको और डेयर डेविल आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में बता देना। तो इसके बाद अपन लोग की अगली न्यूज है फैंटास्टिक फोर मूवी के डायरेक्टर को लेकर। तो ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि वांडाविजन के डायरेक्टर मैट शैकमैन इस मूवी को डायरेक्ट कर सकते हैं। हालांकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये बंदा फैंटास्टिक फोर मूवी डायरेक्ट करेगा तो ट्रेलर में और छोटे छोटे ग्लिम्स में इतनी हाइप क्रिएट कर देगा कि जब मूवी देखने जाओगे तो वहां पे तुमको कुछ और ही मिलेगा। बाकी तुम इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट में बताओ। इसके बाद अपन लोग की अगली न्यूज है थॉर लव एंड थंडर के कॉन्सेप्ट आर्ट्स को लेकर। तो जब से ये मूवी रिलीज हुई है लोग गौर जैसे एकदम खतरनाक विलन को बच्चा चोर कह के चिढ़ा रहे हैं। तो रिलीज कॉन्सेप्ट आर्ट्स में ये रिवील हुआ है कि गौर किडनैप हुए बच्चों की सोल को सेक्रीफाइस करने वाला था इटर्निटी तक पहुंचने के लिए। हालांकि ऐसा कुछ मूवी में दिखा देते तो काफी ज्यादा डार्क हो जाता, लेकिन उन ससुरों को तो कॉमेडी करनी थी। तो अपन लोग की अगली न्यूज है जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग को लेकर। तो WB इनसाइडर्स का ये मानना है कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग यानी कि स्नाइडर कट कभी रिलीज ही नहीं होना चाहिए था। उनका ये मानना है कि जब से जैक स्नाइडर का विजन यानी कि जस्टिस लीग स्नाइडर कट रिलीज हुआ है तब से फैंस दो पार्ट में डिवाइड हो गए हैं। अबे तो ससुरों सिंपल सा है ना, जो फैंस मांग रहे हैं, जो मेजोरिटी ऑफ फैंस मांग रहे हैं वो उनको दे दो।
ना इन ससुरों को तो ब्लैक सुपरमैन पे मूवी निकालनी थी, बैट गर्ल पे मूवी निकालनी थी, ब्लू बीटल पे मूवी निकाल रहे हैं और पता नहीं कौन कौन से साइड कैरेक्टर्स हैं उन पर मूवी बनानी है। खैर छोड़ो, इन्हें इनका तो लाइफ टाइम का लफड़ा है। तो अपन लोग की अगली न्यूज है एक्वामैन 2 को लेकर। तो जेसन मोमोवा ने ये टीज किया है कि इस मूवी में एक से ज्यादा यानी कि कई मल्टीपल बैटमैन देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद एक्वामैन 2 के कई सारे कॉन्सेप्ट आर्ट्स रिलीज हुए हैं, तो आप यहाँ पे उनको पॉज करके एक एक करके आराम से देख सकते हो। इसके बाद तो आप में से कई लोगों को पता चल ही गया होगा कि सजाम 2 जो कि दिसंबर में आने वाली थी वो अब शिफ्ट हो गई है 17 मार्च 2023 को। अवतार 2 सजाम 2 को बोल रही होगी का हुआ फत गई गान। और आप लोग को ये भी पता चल गया होगा कि एक्वामैन 2 अब दिसंबर 25 2023 को रिलीज होगी। ससुरा इस साल 4-5 मूवी रिलीज कर रहे थे, सब डिले मार दिए। इसके बाद अपन लोग की अगली न्यूज है क्रिस रॉक को लेकर। तो आप सबको तो पता ही होगा कि 2022 के ऑस्कर्स में विल स्मिथ ने स्टेज पे जाके क्रिस रॉक को थप्पड़ पेल दिया था। तो इस बार बंदे ने सीधे सीधे बोल दिया कि देखो भैया बात ऐसी है कि 2023 वाला जो ऑस्कर तुम हमसे होस्ट करवाना चाहते हो हम नहीं आएंगे भैया, कोने भरोसा नहीं कौन आके कब कहां पेल देगा हमको। तो इसके बाद अपन लोग की फाइनल न्यूज है WB की गरीबी को लेकर। तो ये ससुरे पैसा बचाने के लिए क्या कर रहे हैं कि जो भी अभी करंट टाइम में मूवीज या फिर जो भी एनिमेटेड शोज डेवलपमेंट में हैं उन सबको कैंसिल मार रहे हैं ताकि लॉन्ग टर्म में होने वाले फाइनेंशियल डैमेज से बच सकें। और इसी चक्कर में स्टूडियो वालों का डायरेक्टर से राइटर से सबसे लफड़ा होता जा रहा है। भाई सीधी सी बात है, किसी को काम दे के उनसे काम छीनोगे तो लफड़ा तो होगा ही। तो गाइस ये थी इस हफ्ते की वेब न्यूज डे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।